वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। आज मैं कुछ अलग चीज़ लेके आई हूँ, पता नहीं ये कहीं सुनी का हिस्सा होगा। अरे कुत्तों थोड़ा शांत हो जाओ, आराम से, इसे नहीं चिल्लाते। हाँ तो मैं वापस आती हूँ। हाँ लगा लो रेस्ट, लगा लो, अच्छी बात है, सेहत के लिए अच्छा है, लॉकडाउन चल रहा है, मोटे नहीं होंगे। हाँ ओके, अब मैं वापस आती हूँ, ठीक है। तो मतलब पता नहीं है मैं कहीं सुनी में डालूँगी या स्टोरीज वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें डालूँगी, क्योंकि कैटेगराइज करने में मुश्किल हो रही, पर बात बड़ी मज़ेदार है। तो सुनो, फाइनली बात पे आती हूँ। तो मैंने ना थोड़े दिन पहले बच्चों की एक क्लास अटेंड कर रही थी। बच्चे मतलब सीरियसली छोटे बच्चे, 1 से लेके 4 तक के बच्चे, उनको उनकी टीचर पढ़ा रही थी कि कहानी कैसे लिखते हैं। तो टीचर ने अपनी कहानी सुनाने के बाद उनसे पूछा एक कहानी का एलिमेंट लेके कि इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। तो पहली कहानी थी जिसमें एक शेर मर जाता है। हाँ अगले थर्सडे में मेरी कहानी में भी शेर है, तो सुनना मत भूलना। तो वो वाला शेर मर जाता है, मतलब मेरी कहानी का नहीं, वो टीचर के वर्कशॉप वाला, तो उसमें शेर मर तो ओके नहीं कॉन्सेंट्रेट हाँ तो वो टीचर की कहानी में वो शेर मर जाता है, और फिर टीचर पूछती है कि तुम्हें, तुम बच्चों को शेर के लिए कैसा लग रहा है। तो उसमें से एक बच्चा बोलता है, मैम द लायन डाइड बिकॉज इट वॉज द पार्ट ऑफ अ फूड चेन, इफ ही वोंट डाई, इफ ही वोंट लूज हिज लाइफ देन द फूड चेन विल become disrupted, will get disrupted and there will be too many lions in the earth. हाँ तो मैंने जो अभी बोला, वो शेर जो मर गया था उसके लिए एक बच्चे ने बोला कि मैम वो शेर अगर नहीं मरता तो वो जो हमारा फूड चेन होता है कि ये जानवर ये खाता है ये वैसे खा के वो हम इकोसिस्टम सही रहता है, वो बिगड़ जाएगा, फिर दुनिया में ढेर सारे शेर होंगे। कीना कितनी समझदारी की बात उस छोटे बच्चे ने। अब दूसरे बच्चे का सुनो, ये बच्चा बोलता कि मैम अगर सॉरी भूल गई थी, मैं पहला वाला बताने लगी थी कि मैं दूसरा बताती हूँ। तो वो बोलता दूसरा बच्चा, मैम द फैमिली ऑफ द लायन मस्ट बी वेटिंग फॉर हिम टू रिटर्न बैक टू हिज होम, so I feel sad for the family because they lost one of their family members. तो ये बच्चा, अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो ये बच्चा सोच रहा है कि बोल रहा है टीचर को कि मैम अगर ये लायन मर गया है तो इसके घर पे कोई परिवार वाला रुका हुआ है, उसका इंतज़ार कर रहा है। अब उस बच्चे को उस परिवार वाले के लिए बहुत दुख हो रहा है कि एक फैमिली मेम्बर गुजर गया। इसीलिए आप भी जो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, घर पे रहें, मास्क पहन के रहें, सैनिटाइज यूज़ करें, ठीक है। और एक बार उस बच्चे की तरह उस लायन के फैमिली के बारे में सोच लेना, वो लायन की फैमिली आपकी फैमिली हो सकती है, समझ गए ना। ओके लेट मी कम बैक। तो अगली कहानी थी एक मैजिक पेन की। हाँ मतलब हमने बचपन में देखी है शाकालाका बूम बूम वाली पेंसिल, पर ही मैजिक पेन की कहानी हो रही है। तो बच्चे से पूछा गया, अगर तुम्हारे पास मैजिक पेन होगा तो तुम क्या करोगे। तो एक बच्चा बोलता, बोलती लड़की थी कि मैम मैं इस मैजिक पेन से बहुत सारा सामान बनाऊंगी, उस सामान को मैं गरीबों, उस सामान को मैं बेचकर गरीबों के लिए पैसे इकट्ठा करूंगी और उस पैसे को मैं गरीबों को दूंगी ताकि वो जीवन अच्छे से जी सकें। मतलब छोटा बच्चा और उसकी थिंकिंग बड़े बच्चों से ज़्यादा अच्छी है। हाँ ओके कम बैक टू नेक्स्ट पॉइंट। तो अगले बच्चे ने बोला कि मैम लेट मी टेल यू, ये जो बच्चा है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो एक NRI है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। वो बच्चा बोलता, मैम मैं अपने मैजिक पेन से ऑक्सीजन सिलेंडर्स बनाऊंगा और मैं वो इंडिया में भेजूंगा क्योंकि इंडिया की हालत बहुत ख़राब है, वहाँ लोग मर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। सोचो हम जब क्लास 1 से लेकर 4 में थे, क्या हमें ऑक्सीजन, लॉकडाउन, क्वारंटीन, मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह शब्द पता थे? आई डाउट कि मुझे पता हूँ, शायद मैं बहुत ही, एक्चुअली आजकल के बच्चों को कुछ ज़्यादा ही नए शब्द मिल रहे हैं क्योंकि हालात ही ऐसे हैं।
पर आप में से कई लोग तो अभी भी मास्क के नीचे कर रहे होंगे, ठीक है, और भीड़ भाड़ में तो ज़रूर जा रहे होंगे, और आधे लोग पानी पूरी के बिना रह नहीं पा रहे होंगे। एनीवेज, जो अच्छे लोग हैं वो घर पे रहेंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, ताकि उनको वो बच्चे से ऑक्सीजन सिलेंडर ना बनवाने पड़े। ऐसे मैजिक पेन इन्वेंट हुआ है क्या, एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। ब्लॉग लंबा हो रहा है पता है, सह लो थोड़ा। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो बच्चे, आप लोग जो भी बात कर रहे हैं वो सुन रहे हैं, उनको पता है न्यूज़ में क्या हो रहा है। प्लीज़ आपके घर में जो भी आपका बच्चा है उसको आप ट्राई करें कि आप वो न्यूज़ तक ना पहुँचे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी छा जाएगी उसके अंदर, एंड ही विल बी थिंकिंग कि दुनिया में इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं, ये वो वगैरह वगैरह। तो इसी के साथ ही व्लॉग यहाँ मैं ख़त्म करती हूँ, ठीक है। और थोड़ा हंस लेना, रोज़ सांस की एक्सरसाइज हो जाएगी, और प्राणायाम करते रहो, एक्सरसाइज करो, बाहर जाके दौड़ भाग करने की जगह घर के अंदर दौड़ भाग करो। आपके घर में जो भी खाना वाना बनाता है उसकी मदद करो, तो उसकी कसरत थोड़ी कम हो जाएगी, आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो हाँ, मैं नहीं करती, क्योंकि मैं जब कहती हूँ मम्मी आप थोड़े एज में हो, ठीक है, आप थोड़े 50 अबव हो, तो यू शुड एक्सरसाइज मोर। हाँ, पर मैं ऑनलाइन क्लासेस सारी लगाती हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ अपनी, ठीक है, इसलिए आपको ब्लॉग्स भी मिल रहे हैं। हाँ, मम्मी इज़ गिविंग मी लुक्स फ्रॉम बिहाइंड द कैमरा, ठीक है, वो मैं आपको दिखा नहीं सकती, कैमरा मेरे पास है नहीं। अच्छा, जो भी हो, कम बैक टू द पॉइंट, कसरत करो, प्राणायाम करो, जो करना है करो, बाहर मत जाओ, पेड़ पौधे लगाओ, ऑक्सीजन लो। इसी के साथ बहुत ड्रामा हो गया आज इस वीडियो में, बट जो भी हो, मेरा मूड फ्रेश हो गया आप लोगों के लिए ये वीडियो बना के, क्योंकि मेरी सुबह से बैक टू बैक क्लासेस चल रही थी। आप ये कह लो कि 9 बजे से 5 बजे तक मैं कॉन्टिन्यूस बिना एक जगह से हिले क्लास ही लगा रही थी, मतलब 3 बजे तक क्लास होती, 3 से 5 मेरी एक अलग से वो होती है, दूसरी क्लास है, कॉलेज की क्लास नहीं है। तो कॉलेज वाले प्लीज़ मुझे टेक्स्ट मत करना कि नवनीत 9 से 3 होती है, 3 से 5 की बोल दी एक्स्ट्रा, ठीक है। चलो फिर, बाय बाय, फिर मिलेंगे थर्सडे के ब्लॉग में शेर की कहानी के साथ।